खबर गाजीपुर जमाना से जहां फूली ग्राम पंचायत के रशुलपुर गांव के खेत में 45 वर्षीय शख्स की गला रेत कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जमाना कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर निवासी बद्रे आलम खां 45 की मंगलवार रात धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक मोहम्मदपुर निवासी बद्रे आलम के मोबाइल पर मंगलवार की रात 9 बजे किसी का फोन आया। इसके बाद वह अपनी बुलेट गाड़ी से घर से निकल गए। घंटों बाद उनके घर नहीं लौटने पर परिजन खोजबीन में जुट गए। इसी बीच गांव के कुछ युवक बाइक से फूली जनकपुर दरौली मार्ग से जा रहे थे, तभी रात 2:30 बजे रशुलपुर गांव के मुसहर बस्ती के पूरब तरफ गेहूं के खेत में एक सौ पड़ा देख चीखने चिल्लाने लगे। मौजूद लोगों की सूचना पर पहुंची डायल 112 जमाना पुलिस व दिलदार नगर पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची दिलदार नगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई। बद्रे आलम के गर्दन पर पीठ पर हाथ पर धारदार हथियार से वार कर घटना को निर्मम तरीके से अंजाम दिया गया था। ग्रामीणों की माने तो गांव के पोखरे के पट्टे की विवाद में बद्रे आलम की हत्या हुई है। इस मामले में मृतक की पत्नी तमन्ना के तहरीक पर पूर्व प्रधान पति अब्बास, उसका पुत्र अशरत व आरिफ भांजा इरफान व साला नौरेश खां के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जुट गई है। बता दें कि मृतक बद्रे आलम की हत्या के मामले में पुलिस ने उनके मोबाइल को कब्जे में ले लिया और सर्विलांस के सहारे हत्यारों तक पहुंचने में जुटी गई। आज सवेरे तमन्ना बेगम ने, जो कि जमनिया थाना अंतर्गत रहने वाली हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है दिलदार नगर में कि रात उनके आदमी को 9 बजे करके किसी ने फोन पर बुलाया था और फिर उन्हें सूचना मिली कि उनके आदमी की हत्या कर दी गई है। इस पर उन्होंने एक लिखित तहरीर दी है जिसमें अब्बास और उसके दोनों लड़कों तथा उसके रिश्तेदारों को आरोप लगाया है कि उन्होंने मेरे पति को बुला करके मार दिया है। इस पर थाना दिलदार नगर में मुकदमा पंजीकृत हो गया है। अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। आवश्यकता